हाय ऑल, मेरा नाम धीरज है और आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर रहा हूं। सो स्टार्टिंग विथ माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन, तो मैंने 13 साल तक आईटी में काम किया हुआ है एज अ क्लाउड कंसल्टेंट और अ क्लाउड आर्किटेक्ट। मैंने बहुत सारे एमएनसीज में भी काम किया हुआ है और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में भी काम किया है। मोस्ट ऑफ द टेन्योर मेरा पुणे में निकला है, बट हाँ, पुणे के अलावा भी मैंने मुंबई, दिल्ली, नोएडा एंड बैंगलोर में मैंने काम करा हुआ है। और वाइल डूइंग दिस आईटी जॉब आई हैड द प्रिविलेज टू क्रैक मेनी पीएसयू एग्जाम आल्सो, जस्ट टू चेक माय स्पिरिट टू क्रैक यू नो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मैंने एसबीआई का स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम क्रैक किया हुआ है, मुंबई हेडक्वार्टर मुझे मिला था, वो मैंने नहीं ज्वाइन किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैंने आरआरबी ग्रेड 2 क्रैक किया हुआ है, मैंने यूपीएससी का प्री भी दिया हुआ है, बट हाँ, जस्ट टू फेल मिजरेबली। एंड ये तो बात सच है, यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए आपको अपना तन मन धन सब कुछ देना पड़ता है। और जब मैंने उसका एग्जाम दिया था तो मेरे पास एक 4 साल की बेटी भी थी और एक हैक्टिक जॉब भी था, सो इट वॉज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल for me to crack that exam. But that first attempt became also my last attempt because of my age factor. But theek hai, that gave me the real kick. So anyways, we can discuss about myself in some other video if required. Kuch mudde ki baat karte hain. So why am I starting this YouTube channel? Period. So wo janne se pehle mujhe aapko कुछ अपने एक्सपीरियंस बताने पड़ेंगे। सो जब मैं मुंबई में था, पुणे में था, दिल्ली में था, या अभी भी मेरे फ्रेंड्स वहां पे हैं, मेरे कोवर्कर्स वहां पे हैं, तो वहां की एक सच्चाई और एक कड़वा सच वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि उससे बहुत लोग ऑलरेडी या तो गुजर चुके हैं या गुजर रहे होंगे, और वो है स्कूल्स के बारे में। तो हम आज जिस भी सिटी में रह रहे हो, डजंट मैटर, हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल्स में रखना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूल्स का फर्स्ट एजेंडा ये रहता है कि वो कैसे हमसे हमारा एक अच्छा परसेंटेज ऑफ हमारा जो सैलरी है वो हमसे वो चार्ज कर लें, एंड वो उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं। रीजंस बहुत कुछ हो सकते हैं और मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट क्या उस पैसे के बदले में हमें वो सर्विस मिल पाती है, हमारे बच्चे के बेसिक्स, उनका बेस उतना स्ट्रांग हो पाता है? मुझे लगता है आप में से जो पेरेंट्स हैं या जो एटलीस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं वो मेरे बात को समझ रहे होंगे, एंड दे कैन रिलेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड दे मे हैव द आंसर आल्सो। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? मोस्ट ऑफ यू मे से ट्यूशन, तो क्या आपने ट्यूशन में जाकर के कभी भीड़ देखी है? और क्या वो स्कूल की भीड़ से अलग है? और क्या वहां पे टीचर पर्सनली आपके बच्चे को देख रहे हैं? मुझे लगता है इसका भी आंसर आपके पास है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्या मेरे पास कोई सोल्यूशन है? शायद हां, शायद नहीं, बट हां, इसी सॉल्यूशन को खोजने की जो कोशिश है वो मैं इस अपने चैनल के थ्रू करने वाला हूं। वो कैसे करना है और मैं कैसे करूंगा वो हम आगे बात करते हैं। सो ये जो प्रॉब्लम है ये केवल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सेम प्रॉब्लम जब हम किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, जब हम एस्पिरेंट्स बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम SSC की तैयारी करना चाहते हैं, UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, हम सीलेट की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर MBA की प्रिपरेशन हम करना चाहते हैं, आप जाओ, आप जाकर के देखो कि कोचिंग का क्या हाल है। तो हम तो हमेशा भीड़ का हिस्सा ही बनकर के रह जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम भीड़ का हिस्सा ही बन के रहते हैं, ठीक है? तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा, राइट? मैं इन प्रॉब्लम्स को बता रहा हूं, प्रॉब्लम्स को बता के क्या होगा, वेयर इज द सॉल्यूशन? तो मेरे पास कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन तो नहीं है,
बट हाँ, ट्राई करने की जिद जरूर है मेरे अंदर, तो वो मैं ट्राई करने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम, और मैं कैसे करूंगा इस चीज को। तो अनलेस आप सभी को एज अ स्टूडेंट और एज एन एस्पिरेंट, जब तक ये मौका नहीं मिलता है कि हम सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने फैकल्टी से, अपने टीचर से, तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उस कोचिंग का हर बच्चे के लिए वो कोचिंग फायदेमंद है। तो वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको ये बताता हूं कि मैं इसमें कैसे क्या कर सकता हूं। तो मैं वीडियोस बनाऊंगा टॉपिक्स पे, मेरे टॉपिक्स टेक्निकल भी होंगे, नॉन टेक्निकल भी होंगे। मैंने जो भी सीखा है आज तक अपनी लाइफ में, वो सारा कुछ मैं शेयर करना चाहता हूं। वो आईटी फील्ड से होगा, वो नॉन टेक्निकल फील्ड से होगा, वो हो सकता है साइंस में हो, वो मैथ्स में हो, वो इंग्लिश में हो, पॉलिटी होगा, हिस्ट्री होगा, वो इवन एचटीएमएल होगा, सीएसएस होगा, पावर शेल होगा, स्क्रिप्टिंग होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा। मेरा इंटेंशन होगा, मैं हर चीज को बताने की कोशिश करूंगा आपको अपने वीडियोस के थ्रू। एंड आप में से किन्हीं को भी यदि वो प्रॉब्लम लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास क्वेरी है, कंसर्न है, क्वेश्चन है, मेल आईडी लिखा हुआ है यहां पे, आपको स्क्रीन पे मेल आईडी दिख रहा होगा, आप इस मेल आईडी पे आप अपना नाम, आप अपना प्रॉब्लम, क्वेश्चन, आप कहां से हैं, लोकेशन, वो लिख करके आप भेजो एज पर द टाइम अवेलेबिलिटी। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास यदि 20-30 भी रिक्वेस्ट आ जाती है, शायद मैं उसको हैंडल ना कर सकूं, राइट, बिकॉज यू नो इट्स नॉट पॉसिबल, बट मेरे से जितना होगा मैं उतना करूंगा। एंड यस, देयर विल बी अ चार्ज। सो इस चार्ज को रखने के पीछे दो कारण है, ये दो चीजों को सॉल्व करेगा। पहला, ये मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा, ठीक है। जब तक मेरे पास इंस्पिरेशन नहीं होगा मैं काम करूंगा कैसे और क्यों करूंगा। दूसरा, जो नीडेड स्टूडेंट्स हैं, जो अनवांटेड स्टूडेंट्स हैं, जो अनवांटेड व्यूअर्स हैं, अनइंटरेस्टेड व्यूअर्स हैं या लीस्ट इंटरेस्टेड व्यूअर्स हैं, वो इसमें छट जाएंगे, ठीक है। एंड व्हेन आई से चार्ज होगा, चार्ज ऐसा भी कुछ नहीं होगा कि जो बहुत हैवी होगा, बिकॉज आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, मैं कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं हूं, मेरी कोई बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है। तो वो चार्ज इतना ही होगा जो इन रियलिटी मेरे लिए एक फ्यूल का काम करेगा, ठीक है। और मेरे पास कोई रेट कार्ड भी नहीं है, और ना मैं रेट कार्ड कभी बनाऊंगा। तो आप मेरे से बात करोगे, हम बात करके देखेंगे क्या सही है क्या सही नहीं है, एंड देन विल गो फॉर द चार्जेस अमाउंट, एंड फिर हम अमाउंट को फिक्स करेंगे। इवन मैं आज ही आपको बता देता हूं, यदि आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं, आप मेरे से उस सब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, आप 7, 8, 9, 10 किसी के भी आप स्टूडेंट हैं, और आपको साइंस पढ़नी है मेरे से, या आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको सोशल स्टडीज पढ़ना है मेरे से, मैं एक बैच बनाऊंगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चे होंगे ऑनलाइन मोड में, और यदि ऑफलाइन मोड में हुआ तो 20 बच्चे होंगे। और वो नहीं हो सकता है फॉर ऑल ऑफ यू और फॉर मोस्ट ऑफ देम, बिकॉज मेरे लोकेलिटी से मे बी कुछ ही व्यूअर्स होंगे जो ये देख रहे होंगे या देखेंगे, तो ठीक है, व्हाटएवर। 10 या 20 को रखने के पीछे मेरा कारण यही है कि मैं उतने ही बच्चे बैच में रखना चाहता हूं जितनों को मैं 100% केटर कर सकूं। और जब मैं 10 बच्चे की बात करता हूं, मैं चाहता हूं या मेरा ऐसा सोचना है कि जब तक वो सारे 10 बच्चे अपने क्वेस्ट को मेरे से सेटिस्फाई नहीं कर लेते हैं, मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इवन इफ मैं कल के डेट में फेमस हो जाता हूं, हु नोज, मे बी माई स्टार्स आर ब्राइट और माई स्टार्स मे गेट शाइनी टुमारो, यदि मैं फेमस भी हो जाता हूं, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मेरे ऑनलाइन मोड में 10 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे और ऑफलाइन मोड में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। हाँ, पैसे हो सकते हैं कि थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे,
बट हाँ इतना भी नहीं होगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा वो ना पे कर सके, दैट आई विल टेक केयर फॉर श्योर। तो और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो से मोस्ट ऑफ यू विल गेट सेटिस्फाइड, एंड यदि नहीं हुआ तो मैं तो हूं ही। तो मैं और मेरा ये चैनल उन सभी बच्चों के लिए है और उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनको लगता है कि उनके बच्चे हमेशा एक बस भीड़ का हिस्सा रह जाते हैं और उनके क्वेश्चंस हमेशा अनआंसर्ड ही रह जाते हैं। तो आइए जुड़िए हमसे और ट्राई करते हैं एक नए तरीके का इकोसिस्टम डेवलप करने का। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो वी मे फेल बट देन वी विल लर्न फॉर श्योर। सो कल से लर्निंग लॉन्च की पहली सीरीज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आ रही है, मोस्टली 15-16 ऑड वीडियोस होंगे उसमें, आप सभी देख सकते हैं उसे, आप सभी उससे सीख सकते हैं। नो मैटर विच पोजिशन, वेयर यू आर, डजेंट मैटर आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसी चीज है जो उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी चीजों को अच्छे से अरेंज करके रखना चाहते हैं और प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखना चाहते हैं चीजों को। सो आप उसे देखिए, यदि आपको कहीं भी कुछ डाउट्स होता है तो हम तो हैं ही, क्योंकि हमारा डिफरेंशिएटर ही वही है, टू आंसर द अनआंसर्ड। सो आई विल वेट फॉर योर फीडबैक, आई विल वेट फॉर योर ईमेल्स, एंड देन आई होप वी कैन कनेक्ट एंड देन टेक इट फॉरवर्ड। सो टिल देन वॉच माई वीडियोज, शावर मी विथ योर ब्लेसिंग्स एंड होप टू कनेक्ट विथ ऑल ऑफ यू एंड इफ नॉट ऑल मोस्ट ऑफ यू। सो थैंक यू फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।